왜 라스타 씨를 쓰느라 जो करीब करीब हाफ रास्ता तो अब तक सीखा फ्रॉम वायरलेस मोड टू 12 का अभी बज रहा है 12:03। दादा बेल्ट खुलेगा सर अभी ये जो रास्ता है ये रास्ता फ्रॉम चापाटाली मोड टू खुशीघाट वाला रास्ता मैंने पकड़ा बीच के 10 किलोमीटर बहुत ज्यादा खराब थे आफ्टर चापाटाली तो तब मैंने कैमरा बंद रखा था तो अभी ये कुछ मार्केट वाला एरिया है यहाँ पे रोड काफी अच्छे हैं तो ठीक है अब मैंने चालू कर दिया अब करीब करीब कुछ 9 किलोमीटर बचा हुआ है 39। आंगुल पोता इधर है ना आंगुल पोता है एक्चुअली की ऐसे ना अनेक बार गूगल मैप गुलो सीधी रास्ता बोले ना अनेक समय है ना लोकल पर्सन आर द बेस्ट पर्सन टू टेल द रोड टेल द करेक्ट रोड तो जनी जिज्ञेस को लम जस्ट एक बार रोड कंडीशंस आर रियली बैड এখন ডিপেন্ড করছে যদি আমি এডিট করে দিই তাহলে ব্লগ হয়ে যাচ্ছে যদি এডিট না করি এরকম অনেকগুলো ব্লগ পড়ে ভিডিওস পড়ে আছে আমার কিছু করে নিয়ে এগুলো আমি আবার জিজ্ঞেস করবো দাদা আন্দুল পোতা আসলে কুছ গলত রাস্তা লেনা পড় গিয়া থা বিকজ অফ গুগল ম্যাপ তো আমি গলি গলি রাস্তে সে নিকলনা পড় রহা হ্যায় आई होप 10 किलोमीटर से बता रहा हूँ 10 तो नहीं होगा 10 से 11 किलोमीटर कुछ हो जाएगा बज रहे हैं दोपहर के अभी 2:10 ये सब ज़्यादा कुछ नहीं स्टैंड में अटक जाते हैं बस और तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है ज़्यादा कुछ ये गली गली वाले रोड में घुस चुका हूँ तो इतना श्योर है कि बीच रास्ते में कोई रेस्टोरेंट तो नहीं आने वाला यहाँ पे लंच कर लूँ जो बेसिकली रास्ते में दिखा है ना इससे ही जूट बनता है जूट इंडस्ट्री जो कहते हैं ना बंगाल का जूट इंडस्ट्री सबसे बड़ा है वो इसीलिए है अभी ये जो पानी पानी दिख रहा है पता नहीं है बरसात का पानी है या फिर सच में तो रेलवे स्टेशन भी आ गया इधर पे रेलवे गेट आ गया इधर पे क्रॉसिंग स्टेशन तो दिख नहीं रहा यहाँ से देखो कपड़े फंस गया शायद साइकिल में 50 रुपये एक्चुअली इसका बिक्री नहीं है ना इसीलिए उसने 50 रुपये पर भी अंदर लगा है हाश 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 पूरी तो जले बहुत विंड ब्लास्ट जगह टके फेसबुक पे देखी थी बार बार यही जगह टके एग्जैक्टली सेम पास से एक तो इधर थकतो ये पर हमको रास्ता टर्न होतो रास्ता से रास्ता ही दिस इज द प्लेस अंदुल पोटा चारों तरफ पानी पानी है एंड मेरे पास पानी है तो शाम के टाइम यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा बनता है क्योंकि जो हवा चल रहा है ना ये हवा मतलब क्या बताऊँ मस्त है टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट तो बन ही चुका है ये वैसे
तो अभी है 49, घर से स्टार्ट किया था जब मैंने, वो तो रिकॉर्ड में है। सब अपना यहाँ पे मस्त एकदम फोटो वोटो ले रहे हैं। ये बस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है जस्ट बिकॉज चारों तरफ पानी है, बीच में रोड है, तो वही ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन पॉइंट हो जा रहा है। आई होप ये जो 2 दिन पहले बारिश हुआ था, मेरे ख्याल से रास्ता जो था पूरा ओवरफ्लो था उस टाइम पर, तो श्योरली। बट खैर अभी तो अच्छा ही दिख रहा है मेरे को, ऐसा कुछ खा वैसा लग नहीं रहा। अच्छा आई गेस अंगुल पट्टा ख़त्म हो गया, तो बेसिकली जो टूरिस्ट स्पॉट है वो वही वाला एरिया था। क्योंकि गूगल मैप में इको पार्क लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये पानी की वजह से वो हर चीज़ ढक चुका है। तो 2 दिन पहले बारिश हुआ था, देखो लहरें भी आ रहे हैं पानी में, उसे टाल लेने का है अभी। बस यहाँ से व्यू देखो, पानी देखो, पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा है इधर से, पूरा लंबा व्यू है पानी का। उतरते को था फटन यहाँ पे आने का बस एक ही इशू है, वो है रोड्स। यहाँ के रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं। देखो रोड्स किस तरह के हैं, अप्रॉक्सीमेटली मेरे घर के यहाँ से कुछ तो भी तो, मतलब मेरे बैरकपुर के वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर कुछ तो भी तो है। एंड वो 70 किलोमीटर क्रॉस करने में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे से 3 घंटे लग जाएगा। गूगल मैप में कुछ तो भी तो 2 घंटे दिखाया था, बट इन फैक्ट आने में मेरे को 2.5 घंटे कुछ लग गया विदाउट एनी स्टॉप। 4:30 बज गया है, अभी तो निकल लिया हूँ कि जाना भी है 2.5 घंटे। एक तो इतना छोटा रोड, ऊपर से इतने बड़े बड़े ट्रक। अरे जाले डूबे ऐसे तो प्राइम में